सभी दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आज था फर्स्ट डे आपके मेडिकल का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो गेट के अंदर जाते ही हो जाएगा जमा, और जो हमारा स्टाफ है जो आपके संग वहाँ पर स्टाफ रहेगा उनका भी फ़ोन हो जाएगा जमा, वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैं उन वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग और वहाँ की क्लिपिंग या फिर जो कैंडिडेट है उनसे बात करी हुई कोई वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया। तो जो भी मेरे साथ के स्टाफ के वहाँ पर है वो उनका जो फ़ोन है वो वहाँ जमा हो गया है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे फ़ोन से ले पाया वही मैं आप संग शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे को बोलते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो चीज़ वहाँ जाके आप नहीं कर रहे हो, और आप बिल्कुल सही होने के बाद भी आपको छोटी चीज़ों में पॉइंट मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीफ कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन जैसे मैंने अपने साथ वालों से बात करी है वहाँ पर जो मेडिकल के समय वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो बता रहे हैं कि आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको पॉइंट मिल रहा है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्म करना चाहा कि जिसका मेडिकल अब है कल परसों, तो वो प्लीज़ कुछ गलतियाँ ना करें। तो बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको बिल्कुल अलर्ट रहना। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट चीज़ आती है आपका बीपी। बीपी आपका चेक किया जाएगा, तो उसमें आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि जैसे मुझे बताया जा रहा है कि कुछ लड़के काफ़ी घबरा जाते हैं मशीन की तरफ देखते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, आपका पहला बीपी नॉर्मल चेक किया जाता है, उसके बाद आपको जम कराई जाती है, जम करने के बाद भी आपका बीपी चेक किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही ब्रीफ करा है, अच्छे से समझा रखा है कि कहीं और अपना ध्यान लगाना है, मशीन की तरफ नहीं देखनी है, कुछ और सोचना है, आपका बीपी पक्का नॉर्मल आएगा। तो दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर रहा हूँ कि बीपी सुनने में बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर आपका बीपी बढ़ा आ गया तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, और हाइपरटेंशन से हार्ट में सीधा अफेक्ट करता है, आपके जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है और हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इससे जो फोर्स में है आपको परमानेंट रिएक्शन मिल सकता है। कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है बीपी, लेकिन आप इसमें बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको समझा रखा है बीपी में आप कोई भी मिस्टेक ना करें। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट है एक्सरे। मैंने आपको दो तीन वीडियो में क्लियर समझा रखा था कि वो सिविल डिपार्टमेंट में आप जाओगे, सिविल वालों को कोई मतलब नहीं है, वो आपका एक्सरे निकाल के आपको दे देंगे। फिर भी जहाँ मैंने जो पता किया अपने दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिल रहे हैं वो एक्सरे में मिल रहे हैं। मैंने आपको, आप मेरी पहली वीडियो उठा के देख सकते हैं, मैंने दो वीडियो में क्लियर आपको समझा रखा है कि एकदम स्ट्रेट खड़े होना है, चिपका के खड़े होना है, और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ गलती आज हो रही है, आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। आप टाइम लें अपना, कोई बात नहीं, उनको बोल दें भाई हमको थोड़ा टाइम लगेगा, आप अच्छे से खड़े हो चिपका के एकदम, और एक्सरे बिल्कुल सही आना चाहिए आपका, नहीं तो बेफालतू में आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आती है कि डॉक्टर से आप कोई बहसबाजी ना करें। अगर डॉक्टर आपसे कुछ चीज़ पूछते हैं कि आपकी कहीं चोट लगी है, तो आप झूठ ना बोलें, आप सच से बता दें, क्योंकि अगर आपको रीमेडिकल दिया जाता है तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपके टेस्ट होंगे, और टेस्ट में वो चीज़ अगर नॉर्मल है रिपोर्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर से अगर झूठ बोलेंगे, तो वो डॉक्टर दो तीन क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएंगे, और उससे होता है बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ है, तो आप बता दीजिए क्लियर। डॉक्टर से झूठ बोलेंगे तो आप जो डॉक्टर से आप झूठ वैसे भी नहीं बोल सकते, डॉक्टर को कहीं ना कहीं झूठ पकड़ लेगा। तो इसलिए आप जो भी आपके चीज़ में कहीं चोट लगी है, कहीं ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, अगर डॉक्टर पूछते हैं तो आप बता देना सच सच, अगर डॉक्टर नहीं पूछते हैं तो आप मत बताना। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि यदि आपने जो फॉर्म भरा है और उस फॉर्म को भरने में आपने जो नाम लिखा है अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसमें और आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई भी मिस्टेक है, एक भी अल्फ़ाबेट की मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट जरूर बना लीजिए। फिर भी कुछ लड़के एफिडेविट बना के नहीं लेके जा रहे हैं, कुछ भी एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आप एफिडेविट जरूर बना के ले जाएं, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेडिकल के दौरान। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया आज फर्स्ट डे, जो लड़कों ने कुछ गलतियाँ करी हैं। बाकी मेडिकल का बोर्ड का स्टाफ बहुत बढ़िया है, आप एकदम फ्री होकर जाएँ, जरूर आप फिट होकर आ जाएंगे। आप अपने से ही छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, जैसे मैंने आपको समझा रखा है सेम आप वही चीज़ करें, आप डेफिनेटली फिट होकर आएंगे। बोर्ड बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम मिलती है मेरे जैसा कोई ना कोई आपको वहाँ पर मिल जाएगा खड़ा हुआ। आप जरूर उनका बुला के उनकी हेल्प लें, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे 100%। कोई फॉर्म भरने में आपको मिस्टेक हो रही है, कुछ फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, या आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, तो फॉर्म को आप चेंज कर दीजिए, करा लेंगे और नया फॉर्म ले लीजिए, उसमें आप मिस्टेक ना करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको मेरे जैसा कोई ना कोई वहाँ पर मिल जाएगा, आप उनको जरूर बुलाएं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल भी घबराएं ना, बीपी आपका एकदम नॉर्मल आना चाहिए, बिल्कुल टेंशन ना लें। जो चीज़ मैंने समझाई है आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, सब कुछ वही वहाँ पे रिपीट हो रहा है। दोस्तों, मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों से हम निकल चुके हैं, हमें पता है वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें,
इसके बाद मैं देखता हूँ, मैं वीडियो अगर ला सकता हूँ कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे अगर बात हो पाए तो कल को मैं कोशिश करूँगा अपने स्टाफ से बात करने की, अगर वहाँ से कोई वीडियो मिल पाए जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो दोस्तों इतना ही बताना था मेरे को आपको कि आप प्लीज़ इस प्रकार की गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।